जी जी बेगम साहब, जैसा आपका हुक्म, चलता हूं। हिमल क्या हुआ बेटा, किसको डांट रही थी? मुरीद हेलो, मैं नीचे आ गया हूँ। आ रही बड़ी अजीब जात है मत की, आजाद छोड़ दो तो वापस नहीं आता, अब घुटन बढ़ रही है तो जगह ढूंढता फिर रहा है, अब तो इशारों पर नाचेगा। खेल तुमने शुरू किया था अमीन कुरैशी, खत्म मैं करूंगी, घुटन और बढ़ने वाली है। हेलो जी, जी ठीक है, बेहतर, ऑफिस। किसकी कॉल थी? कम है मेरी जिंदगी में बहुत, लेकिन है कुछ मौसम। अच्छी बात, दोबारा बुखार तो नहीं हुआ आपको? खान आने की वजह ही खत्म हो गई, बुखार नहीं। शुक्र है। मैं वो अगर आपको मुनासिब लगे तो कहीं बाहर चलें, आज खाना खा रहे हैं। ठीक है, प्लीज। थैंक यू। बाहर है फिर आज क्यों? आपके लिए। इसलिए कि शायद ये जगह आपके कद के बराबर हो। मैं जानता हूं इस हकीकत से आशना हूं कि मेरे साथ रिश्ता जुड़ने से आपका कद छोटा हो गया है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से आपको मजीद कमतर महसूस ना करना पड़े। मैं ऐसा नहीं सोचती, तुम्हें भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। आपका शुक्रिया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी रहेगी कि मेरी वजह से मजीद आपको कमतर महसूस न करना पड़े। सर आइए ना प्लीज। थैंक यू। थोड़ी देर के बाद आइए। वो
मुरीद हैं? बाबा हैं। हैं? बाबा। ये औरत कौन है उनके साथ? पता नहीं, आज से पहले इसको कभी नहीं देखा। मुझे यकीन है आप पर। तो फिर यकीन रखो, क्योंकि ऐलान मैं खुद करूंगा। दुश्मन जो भी होगा खुलकर खुद सामने आ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करती हो। हालात बदल रहे हैं, इन हालात में आंखें खुली रखना पड़ेंगी हर वक्त। हम बंद नहीं कर सकते। मैं आपको खोना नहीं चाहती। और जहां पर मेरे बचपने की बात, क्या करूं? उन वक्त मोहब्बत है ही ऐसी चीज। मेरा ख्याल है मैं यहां से चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? मैं जानना चाहती हूँ औरत कौन है बाबा के साथ। हो सकता है कोई बिजनेस मीटिंग हो। तुमने उसका होली और हरकतें देख के लगता है कि बिजनेस मीटिंग होगी। अच्छा, अब इतने अरसे के बाद हम आ ही गए हैं बाहर, तो लेट्स हैव फन ना। चलो मरीद, यहां से मुझे नहीं बैठता। क्या हुआ अमीन साहब? वो मैंने अस्मा को देखा है। कहाँ? कौन? कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया होगा? अरे नहीं, आप वो उस लड़की की बात कर रहे हैं ना जो वहां पर रेड कपड़ों में बैठी थी? नहीं नहीं, उसने हमें नहीं देखा। परेशान मत। मुसल से नेगेटिव सोचती जा रही हैं आप। मैं नेगेटिव सोच रही। मुरीद अपनी आंखों से देखकर आ रही हूं सब कुछ। ठीक कह रही हैं आप, अपनी आंखों से देखा हुआ चिढ़लाया नहीं जा सकता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस मामले को ओवरथिंक कर रही हैं। छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? तुम नहीं जानते कि अम्मी बाबा से कितनी मोहब्बत करती है। सारी जिंदगी उनके हुक्म मानते मानते गुजार दी उन्होंने। मुझे पता है कि अम्मी जानती है कि मैं बेकसूर हूँ। वो मुझसे अस्पताल में मिलने के लिए आना चाह रही होंगी, लेकिन बाबा की वजह से नहीं आई। जिस औरत ने अपनी औलाद तक की कुर्बानी दे दी, क्या वो ऐसा शौहर डिजर्व करती है? डिजर्व? छोड़ दीजिए इस बात को। कौन किसे डिजर्व करता है, कौन किसे नहीं डिजर्व करता, खुद को देखिए, फिर मुरीद को देखिए। क्या आप मुझे डिजर्व करती हैं? जानती हैं ये सब क्या है? हम सब दाने हैं जो चक्की के पाटों में पिस रहे हैं। मुरीद मैं अम्मी को पिसने नहीं दे सकती। लगाओ कि वो औरत कौन थी, उसका क्या ताल्लुक है बाबा से? आप खुद मुझे इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे अपनी जिंदगी पर तवज्जो देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए हर बात को। और खुद
क्या कर रही हैं, छोड़ दीजिए ये सब कुछ, अपने ऊपर तवज्जो दें। इंसान ही नहीं रिश्तों के लिए तो जीता है, ये रिश्तों का नाम तो जिंदगी है मेरी, कैसे छोड़ दूं? माँ है वो मेरी। ठीक है, मैं करता हूं कुछ। मुरीद बैठो, चाय पी के जाना। जी जी बेगम साहिबा, ये कहने की बात है कोई? सारे के सारे शादी के इंतजाम मैं देखूंगा, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, ये ड्यूटी है मेरी। बात ड्यूटी की नहीं है मुरीद, तुम इस घर के फर्द हो, समझो तुम्हारे घर की शादी है। बेगम साहिबा लेकिन माजरत चाहता हूँ, मैं तकरीब में शिरकत नहीं कर सकूंगा। क्यों, कोई नाराजगी है? नहीं कोई नाराजगी नहीं है, वो मैं किसे कहूं? अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे। पूछो। अगर आपको किसी तकरीब का दावतनामा आए, उसमें सिर्फ आपका नाम हो, बड़े साहब का नाम ना हो, तो आप चाहेंगे क्या? नहीं। तो असम बेगम के बगैर मुरीद कैसे जा सकता है? फिक्र मत कीजिएगा, सारे के सारे इंतजाम हो जाएंगे, आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलता हूं। कहीं हमारी मोहब्बत का चराग बुझने वाला तो नहीं है अमीन साहब? अचानक से बहुत रोशन हो गया। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मेरे लिए तो आपकी हर बात ही जरूरी होती। कहीं देखो मलाइका, बाहर की हालात तो ऐसे हैं कि मैं तुम्हें खुद से जुदा ना करूं, लेकिन घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम शादी में शिरकत ना करो। ओ अच्छा, बहुत अच्छा अमीन साहब, बहुत अच्छा। आपकी बात को खातिर में रखूंगी और अपनी आंखें भी खोली रखूंगी, देखते हैं फिर क्या होता है। जब मैंने तुम्हें मना किया था अस्मा को बुलाने के लिए, फिर तुमने उसे, मैं क्यों एहसास नहीं मेरी इज्जत का, मेरे नाम का? उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, अपनी ममता को समझाओ। मुरीद की वजह से मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं तो उसे सर्वेंट क्वार्टर में ना घुसने दूं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। वो मैं सोच रही थी कि हेमल की शादी के बाद आप और अरसल यहीं पर आकर रहने हमारे साथ। फिर वही बात, अमीन हेमल की शादी के बाद तो ये घर सूना हो जाएगा, मैं क्या करूंगी सारा दिन? अगर वो लोग आ जाएंगे तो रौनक हो जाएगी। आपस से मैंने बात की है और उन्हें कोई एतराज भी नहीं है। तो मुझे पूछ रही हो या बता रही हो? जाहिर है
आपकी इजाजत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी इजाजत की इतनी परवाह होती तो आपा से बात करने से पहले कम से कम उससे तो पूछ लेती। नई बात इमल की तो उसका ससुराल ही उसका घर है, बिना वजह उसे तंग मत करो। समझ आई जो मैंने कहा? जी। बहुत बड़ी गलती की तुमने आपा से बात करके। मैं उनको इनकार कैसे कर सकता हूँ? वो जो कहेंगी मुझे करना पड़ेगा। आप बिना वजह नहीं परेशान हो रहे? बिना वजह परेशान हो रहा हूं। हमने ऐसा क्यों कहा अम्मी को? मुझे वैसे भी नहीं जाना उम्मीद। आपको क्या लगता है, मुझे जाना चाहिए? उन्होंने तुम्हें इतने प्यार से बुलाया था, तुम्हें जाना तो चाहिए। लेकिन सिर्फ मुझे बुलाया है, मेरी फैमिली को नहीं। फैमिली मतलब? आप मैं देखता जाएंगे। ठीक है, सलाम साहब। ये कहाँ जा रहे हैं? अमीन साहब, मैंने इनवाइट किया है। मैं माजी में नहीं झांकना चाहती, लेकिन मुझे हाल की फिक्र है आपके और इस घर के हाल। तुम्हें इस घर के हाल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम ये अख्तियार खो चुकी हो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, बेहतर होगा कि तुम वापस लौट जाओ। अमीन साहब, मैंने बुलाया है। बुलाया होगा, लेकिन ये मेरा हुक्म है, इसे वापस लौटना होगा। मैं यहाँ आना चाहती भी नहीं थी, मगर अम्मी को कुछ बताना चाहती थी मैं आपके बारे में। रिश्ते पर भरोसे की बात आपने की थी ना, लेकिन अपने रिश्ते के साथ नाइंसाफी करके आप अम्मी का भरोसा तोड़ रहे। जो मुंह में आया बके जा रही हो मुरीद, इसे अभी मेरी नजरों से दूर करो। मुरीद, अभी के अभी। जी साहब। हिमसेना आई। अम्मी, आप इनसे सौरभ के बारे में जरूर पूछेगा। किस औरत के बारे में कह रही है? अंदर मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। आसिया, खुद को क्यों कसूरवार समझ रहे हो मुरीद? हमारा कोई कसूर नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना कमजोर इंसान हूं ना मैं, अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी के हक के लिए लड़ भी नहीं सका। नौकर हूं ना, ठीक है नौकर हूं, आप जो चाहे मेरे साथ सलूक करें, जैसा सलूक करते रहे मुझे कोई परवाह नहीं है।
लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत कर दिया उन्होंने। उन्हें ठीक लगा उन्होंने किया, और मैं जिस मकसद के लिए वह जाना चाह रही थी ना, वो पूरा हो गया जो सिर्फ अपनी अम्मी से बात करनी थी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आपको जाने के लिए तो मैंने ही कहा था ना। माफी चाहता हूँ मैं आपसे बेगम साहिबा, पूरी देर बाद भूल गया कि आप एक नौकर की बीवी है, लेकिन साहब नहीं भूले, आपके साथ जो हुआ है उस बात की इतनी तकलीफ हुई है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी वजह से आपकी तस्दील हुई है, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे तो शौहर हो, सब नहीं किया करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो सब कुछ, भूल जाओ मेरी। किस मिट्टी की बनी है, हैरान हूं मैं आप पर। क्यों नहीं, अच्छाई क्या होती है, अगर कोई ये सवाल करे तो मुरीद आपका नाम लेगा। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, ये फर्ज भी अदा हो गया, बस यूं समझो सर से बोझ उतर गया। बेटियां बोझ नहीं होती अमीन साहब। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन ये बात ऐसी नाखल्फ औलाद के लिए नहीं है जो सबब बनती है अपने माँ बाप की बदनामी और रसवाई का। खैर, दोनों बच्चियां अपने घर की हुई, मेरे लिए यही काफी है। शुक्र है मालिक का, शुक्र अल्लाह का। वैसे आज हॉल में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें मैं जानती नहीं, उन्हें किसने इनवाइट किया? जानता हूं मैं तुम कहां से बोल रही हो, ये बात भी तुम्हारे जहन में उस नाखल्फ औलाद ने डाली है। बेफिक्र रहो, बहुत जल्द तुम्हें इन बातों का जवाब भी मिल जाएगा। शादी के बाद आपा यही रुकेंगे, बताया था मैंने आपको, मैंने अरसल से बात की है और वो भी राजी है। अब मना करने के लिए मेरे पास कोई जवाब बाकी नहीं। पूछने और बताने में बहुत फर्क होता है, तुमने फैसला करके बताया मुझे, मेरे मना करने के बावजूद अस्मा को तुमने शादी पर बुलाया। पूछ सकता हूं आखिर क्यों तुम ये सब कुछ कर रही हो जो 30 सालों में तुमने कभी नहीं किया? आज से पहले कुछ गलत जगह ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं बोली। अपनी बेटी को बुलाया था मैंने, जिस पर उस गुनाह का इल्जाम है जो अभी तक साबित नहीं हुआ। तो मैं क्या पागल हूं जिसने उसको इतनी बड़ी सजा दी? इल्जाम तो आप पर भी है, अब तक आपसे भी कुछ नहीं पूछा मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है।
सपोर्ट ढूंढने निकली तो बहुत रुसवाई हो जाएगी। बेहतर आप खुद बता दें। क्या क्या पूछना चाह रही हो तुम? मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाह रही हूँ जिन्हें मैं जानती नहीं, और वो बिन बुलाए मेहमान मेरे घर आ जाते हैं। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? मलाइका, यही नाम है ना उस औरत का, और अस्मा भी उसी का जिक्र कर रही है। अच्छा, अस्मा नहीं, तुम्हारी सोच में ये जहर भरा है। जब तक यहाँ रही इस घर की बर्बादी का सबब बनती रही, और अब जो बचा है उसे बर्बाद करना चाहती है। तो आप बचाने बर्बाद होने से, और जो हकीकत है वो बता दें। क्या बात है, आज फिर कुछ हुआ है? नंगे पांव धूप में खड़ा, पैर तो जलेंगे ना। तो क्यों खड़े मुरीद, अंदर आ जाओ। क्योंकि यही मेरा मुकद्दर है। खतर नहीं है, ये तुम्हारा खुद का चुना हुआ रास्ता है। इसकी कोई मंजिल नहीं है जहां धूप है, कांटे हैं। क्यों जिंदगी जैसी नियमत के साथ जंग कर रहे? जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है नवीद। हाँ जानता हूँ, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। मेरी माँ को भी सिर्फ एक बार मिली थी। मुझे क्यों बचा लिया तुमने? क्यों माने नहीं दिया तुमने मुझे? अब निकल जाइए ना बीच में से। जब तक इंतकाम नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। खुदा का वास्ता है। मैं बीच में से निकल गई ना तो मुंह के बल गिरोगे मुरीद। गिरने दे। मुरीद को कबूल है? किसने मना किया है आपको? अगर मैंने एक कदम भी पीछे हटाया ना तो दुश्मन चढ़ दौड़ेगा, नामो निशान नहीं बचेगा मेरा। अब ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? किसी का घर उजड़ जाए और तुम्हारी नजर में कोई बात नहीं। ना करें, कैसी बातें कर रहे हैं? जब मैंने तुम्हें मना किया था मलाइका वहां आने से, फिर तुम वहां क्यों आई? मैं तो बस आपकी खुशी में शरीक होना चाहती थी। गलती हो गई मुझसे, आइंदा नहीं आऊंगी। अब ये क्या हरकत है? गलती भी की और ऊपर से खफा भी हो रही हो। मलाइका, मेरी खुशियां तुमसे हैं। मलाइका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं। नॉर्मली मैं इस जगह पर किसी को नहीं रखता। अभी जो भी आप मेरे साथ कर रहे हैं वो भी नहीं आपको करना चाहिए। मेरा आपके अलावा इस दुनिया में और है ही कौन? हाँ वो नहीं। अच्छा रोना बंद करो। पहले रोलाते हो फिर कहते हैं रोना बंद करो। मेरा मकसद तुम्हें हरगिज दुख देना नहीं था। जानती हो चारों तरफ मेरे दुश्मन हैं, और घर में तुम्हें लेकर मुझसे कई सवाल किए जा रहे हैं। मैं अपने दुश्मनों को देखूं या अपने घर वालों के सवालों के जवाब दूं? अच्छा ना ठीक है, आइंदा एहतियात करूं। कुछ मांगा था मैंने आपसे? जो मांगा है मिल जाएगा। नहीं, बातों से नहीं। कल तुम्हारे अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुझे हाईवे वाला प्रोजेक्ट ही चाहिए, बस कह दिया मैंने। ठीक, मिल जाएगा।
अब कौन सा दर्द इसके नाम कर रहे हो? ताई, इस कीबोर्ड ने मेरा दर्द कबूल करना बंद कर दिया है बेगम साहब। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये बात जान गया है कि इस घर में कोई आ गया है जो मेरा दर्द बांटता है। किसलिए? वो माजरत चाहता हूँ, उस दिन जज्बात में मैंने आपका फोन तोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए। सोच लो, तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। सोच। सलाम साहब। जी साहब। जी मैं हाजिर होता साहब, बस 5 मिनट में साहब। सोच लिया मैंने, और सोच समझ के आपको दिया। ये फोन मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है कि आपको आपकी आजादी का एहसास हो सके। लेकिन साहब आप इस घर में पूरी तरह से आजाद हैं। मुझे यकीन है मुरीद। आपके यकीन का शुक्रिया, लेकिन होता है अक्सर ऐसा, इंसान खुद को जवाब दे होता है। खुद को भी तो जवाब देना था मैंने। खैर वो साहब ने काम से बुलाया, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। मुरीद, कहीं तुमने फोन मुझे इसलिए तो नहीं दिया ताकि तुम्हें कोई फोन करके पूछ सके आप घर कब आएंगे? मैम, क्या साहब ने मुझे बुलाया है? मैं चलता हूँ। बताएं तो सही कि हम यहाँ किससे मिलने आए हैं। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रुकिए।